नमस्कार, तारीख 11 मई दिन गुरुवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है प्रेरणा और मैं हूँ मोहनलाल शर्मा। पॉडकास्ट में आज बात पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के आदेश के साथ महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के दो अहम फैसलों की। इमरान खान की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने बताया अवैध, रिहाई के दिए आदेश। पाकिस्तान की सूचना मंत्री बोली, 25 मई को इस शख्स को दहशतगर्द को सजा मिल जाती तो आज मेरा मुल्क जल ना रहा होता। और जिस शख्स ने इन मुसल्ला जत्थों को लॉन्च किया, जो इसकी क्यादत कर रहा है, वो दहशतगर्द। महाराष्ट्र में शिवसेना विवाद पर आज था फैसले का दिन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उद्धव ठाकरे फिर से सीएम नहीं बनाए जा सकते, लेकिन गवर्नर का फ्लोर टेस्ट कराना गलत। मैं केवल संसदीय परंपरा जानता हूं और विधायी परंपरा जानता हूं। उस हिसाब से मैंने जिस समय जो भी कदम लिए, सोच समझ के लिए, और जब किसी का इस्तीफा मेरे पास आ गया तो मैं क्या कहता, तुम मत दो इस्तीफा। कोर्ट के फैसले का शिवसेना के दोनों ही गुटों ने किया स्वागत, लेकिन क्या है इसके मायने और महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या होगा असर? दिल्ली सरकार बनाम एलजी के मामले में भी उच्च न्यायालय का फैसला। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं, जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में, एक डेढ़ साल में, दिल्ली की जनता के काम रोके। ऐसे कर्मचारियों को, ऑफिसर्स को चिन्हित करके उनको अपने कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा। और रोजाना की तरह आईपीएल की खबरों की भी करेंगे बात, लेकिन इन सबसे पहले देश दुनिया का हाल जानिए मोहनलाल शर्मा से। गजा में इसराइली बलों और फलस्तीनी गुटों के बीच लगातार तीसरे दिन भी संघर्ष जारी है। आज सुबह गजा से और रॉकेट दागे गए, इसके बाद पूरे दक्षिणी इसराइल में सायरन बजने लगे। गुरुवार तड़के गजा पट्टी के एक अपार्टमेंट पर किए गए हमले में फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद यानी कि PIJ के टॉप कमांडर की मौत हो गई है। इस हमले में एक अन्य व्यक्ति भी मारा गया है। ये हमला एक लड़ाकू विमान ने अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर किया था। बुधवार को गजा पट्टी के चरमपंथियों ने इसराइल पर 460 रॉकेट दागे थे। वहीं इसराइल ने भी गजा में 130 चरमपंथी ठिकानों पर हमले किए थे। पिछले 9 महीनों में इसे सबसे बड़ी लड़ाई बताया जा रहा है। इस हफ्ते हुई लड़ाई में अब तक कम से कम 25 लोग मारे जा चुके हैं, इनमें 3 PIJ कमांडर शामिल हैं। PIJ की आर्म्ड विंग ने मिसाइल यूनिट के प्रमुख हसन घली उर्फ अबू मोहम्मद के मारे जाने की पुष्टि की है। इस बीच काहिरा में मिस्र की ओर से मध्यस्थता के प्रयास जारी हैं। बर्लिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने फ्रांसीसी, जर्मन और मिस्र के समकक्षों के साथ जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमन सफादी ने कहा कि इसराइल फलस्तीन संघर्ष को समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को फिर से शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, نريد دورا ألمانيا نريد دورا فرنسيا نعول على هذين الدورين والرسالة آيمن سفادي कह रहे हैं कि हम यहां जर्मन और फ्रांसीसी फ्रांस की एक मजबूत भूमिका देखना चाहते हैं। हम जर्मन और फ्रांस की भागीदारी पर भी बहुत भरोसा करते हैं, और आज की इस बैठक से हम जो संदेश भेज रहे हैं वो ये है कि हम सब इस बात पर सहमत हैं कि इन नकारात्मक घटनाओं को रोके जाने की जरूरत है, शांति को फिर से जिंदा करने की जरूरत है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि ब्रिटेन यूक्रेन को क्रूज मिसाइलें दे रहा है। ये मिसाइलें लंबी दूरी पर लक्ष्य भेदने की क्षमता रखती हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए बेन वॉलेस ने कहा कि स्टॉर्म शैडो मिसाइलें यूक्रेन के पास पहले से मौजूद अन्य हथियारों के जखीरे को बढ़ाएंगी, जिसमें अमरीका की निर्मित HIMARS प्रणाली भी शामिल है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन नागरिकों को मार रहे रूस के साथ खड़ा नहीं होगा। इससे पहले क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा था कि वो इस तरह के कदम को काफी नकारात्मक तरीके से देखेंगे और ये कि रूस की सेना को वो उचित जवाब देंगे। तुर्की में रविवार को होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में भाग ले रहे 4 उम्मीदवारों में से एक ने कहा है कि वो इस मुकाबले से हट रहे हैं। विपक्ष के राजनेता मुहर्रम इंजी चुनावी रेस में अन्य उम्मीदवारों से पीछे चल रहे थे। उन्होंने साल 2018 में भी तुर्की के मौजूदा राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को चुनौती दी थी। बिहार में जाति सर्वे के मुद्दे पर पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पटना हाईकोर्ट ने 4 मई को बिहार में जाति आधारित सर्वे पर पटना हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। हालांकि पटना हाईकोर्ट का अंतरिम फैसला है और इस मामले में उच्च न्यायालय का अंतिम फैसला आना अभी बाकी है।
बिहारियों, उत्तर भारतीय लोगों और हिंदी भाषियों पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के एक मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने बिना शर्त माफी मांग ली है। अदालत ने उनका माफीनामा स्वीकार कर लिया है और ये मामला पिछले 16 साल से अदालत की प्रक्रिया में था। जमशेदपुर के एक अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने साल 2007 में राज ठाकरे के खिलाफ वहां के सोनारी थाने में शिकायत की थी। उस वक्त राज ठाकरे अपनी पार्टी के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। तो देश और दुनिया का हाल आपने जान लिया मोहनलाल शर्मा से। अब विस्तार से बात आज के तीन अहम फैसलों की। बेशक आज फैसलों का दिन रहा प्रेरणा। भारत से लेकर पाकिस्तान तक सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले आते रहे जी। तो शुरुआत पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से करते हैं, जहां अब से थोड़ी देर पहले खबर आई कि वहां की सुप्रीम अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के आदेश दे दिए हैं और अदालत ने कहा कि इमरान खान की ये जो गिरफ्तारी थी अवैध थी। मैं सीधे कार्यक्रम में शामिल कर रहा हूं बीबीसी संवाददाता शहजाद मलिक साहब को। शहजाद साहब, सबसे पहले तो हमारे लिसनर्स को जो पॉडकास्ट ये सुन रहे हैं उन्हें ये बताइए कि अदालत ने अपने फैसले में कहा क्या। मोहनलाल जी, बड़ा अजीब सा फैसला है जी। एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो इनको रिहा कर दिया जाए, उनकी जो कस्टडी थी, जो नैब ने दो दिन पहले उनको लिया था कि एक वो मामला था, केस था, उसमें जो उनकी जो कस्टडी थी वो उन्होंने इलीगल डिक्लेयर की और उन्होंने कहा कि इनको फौरी तौर पर रिलीज कर दिया जाए। साथ साथ ही उन्होंने ये कहा कि रिलीज उनको बिल्कुल फ्री नहीं किया उन्होंने, और साथ उन्होंने उनको जो पुलिस लाइंस में जहां पर उनको पहले ही रखा गया था, जो जब वो गिरफ्तार हुए थे तो वो उनको सब जेल करार दिया गया था, उनको कहा गया कि उनको वहीं रखें और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो पुलिस और अटॉर्नी जनरल को कहा है कि वो उनके जिम्मेदार हैं। और साथ अदालत ने ये कहा है कि जो नैब की तरफ से वारंट उनके जो अरेस्ट वारंट जारी हुए थे उसके खिलाफ अगर उन्होंने कोई अपील दायर करनी है तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं जहां से उन्हें दो रोज पहले गिरफ्तार किया गया था, तो वहां पर जाकर वो दरख्वास्त दें। अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि जो जिस दिन वाकया हुआ था, जिस दिन इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, तो उस वक्त जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इसका पर नोटिस लिया था और उन्होंने जो उस पर ऑर्डर किया था, उन्होंने कहा कि इनका जो गिरफ्तारी का तरीकाकार था वो गलत था, लेकिन जो गिरफ्तारी हुई है वो लीगल है। अब एक चीफ जस्टिस अपना माइंड बना चुके हैं और अगर वो कल उनकी अदालत में जाते हैं तो वो तो ये कह देंगे कि मैं तो पहले ही डिक्लेयर कर चुका हूं कि इनको जो है वो इनकी गिरफ्तारी सही तरीके से होगी। तो ये बड़ा ये मामले को बहुत पेचीदा बना दिया गया है, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है जी। कोई भी ऐसी चीज जो है वो सामने नहीं आ रही जिसकी वजह से ये कहा जाए कि जनाब उनको रिहा कर दिया गया, ना रिहा हुए हैं ना कैद हुए। तमाम चैनलों में इस तरह की खबरें दिखाई जा रही हैं कि उन्हें रिहा कर दिया गया है और आप ये कह रहे हैं कि उन्हें रिहा नहीं किया गया है लेकिन आदेश दिए गए हैं। मैं इस तरीके से कह रहा हूँ, वो कहना है कि इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में है। ये चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि इमरान खान को उन्होंने एड्रेस करते हुए कहा है कि अब आप हमारी कस्टडी में है, यानी कोर्ट की कस्टडी में है। उन्होंने उसकी जो गिरफ्तारी थी वो इलीगल करार दी, उसके साथ उन्होंने वहां पर सुप्रीम को उस पुलिस लाइन हेडक्वार्टर भेज दिया, उन्होंने कहा कि जनाब पुलिस इस्लामाबाद पुलिस और अटॉर्नी जनरल जो है वो इनकी देखभाल करेंगे और कल जो है वो जब अदालत में पेश होंगे। अभी तक चूंकि रिटर्न ऑर्डर नहीं आया और उसमें ये भी क्लियर नहीं है अभी तक उनकी जो अब तक की बात हुई है कि क्या इमरान खान को जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश जब वो कल होंगे तो क्या खुद पेश होंगे या इस्लामाबाद पुलिस जो है वो खुद उन्हें जाकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश करेगी। तो ये बड़ा मामला जो है वो बड़ा अजीब सा हुआ है और यहाँ पर आम तासुर जो है वो यही है और इसमें मुखालिफ जो इस वक्त गवर्नमेंट में जो जमाते हैं वो यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है वो एज सच जो है उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि उनका रवैया एक जमात की तरफ ही जा रहा है, दूसरी जमातों की तरफ नहीं हो रहा। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद मलिक साहब इस पूरी जानकारी के लिए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहन, अब सीधा लाहौर एक बार रुख कर लेते हैं क्योंकि अली काजमी हमारे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और उनसे सीधे ये जानते हैं कि जब रिहाई के आदेश आए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो अली उसके बाद माहौल क्या कुछ बदला है, क्योंकि गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद हिंसा की खबरें हमने देखी, कई लोगों की मौत की भी खबरें आई, अब जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला है उसके बाद क्या माहौल है?
जी, अब माहौल काफी हद तक बदल गया है क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को आज पेश अदालत में पेश करने का हुक्म दिया तो उससे पहले पीटीआई जो कि इमरान खान की जमात है उसकी तरफ से शहर के मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज की कॉल थी और उसकी प्रिपरेशन में या उसको एंटिसिपेट करते हुए जो पाकिस्तान आर्मी की कुछ गाड़ियों ने भी मेन सड़कों पर फ्लैग मार्च की, शायद जो है एक शो फोर्स था वो। लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को कॉल किया है तो उसके बाद अचानक से सब कुछ रुक गया था और सब लोग जैसे उस फैसले का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद अचानक से जाहिर है वो माहौल बहुत बदल गया और जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे उनमें अचानक से खुशी की लहर दौड़ी और उन्होंने एक सेलिब्रेशन यहाँ पर मुख्तलिफ सड़कों पर शुरू की। लेकिन साथ साथ ये भी देखने में आया कि इमरान खान की स्पेशली जहाँ पे रिहाइश है यहाँ लाहौर में जमान पार्क, उसके पास पास चूंकि पीटीआई के कारकुनों की एक बड़ी तादाद जमा होती है हर वक्त, तो वहां से कुछ ही देर पहले एक रेंजर्स की गाड़ी गुजरी तो उस गाड़ी को देखकर जो वहां पे जो मुजाहिरीन जमा थे उन्होंने उस गाड़ी पर पथराव किया और उसके जवाब में रेंजर्स ने भी मुजाहिरीन पर शेलिंग की। तो अभी भी जो हुकूमत और जो पीटीआई के सपोर्टर्स या और दूसरे मुजाहिरीन हैं उनके दरमियान जो टेंशन है वो अभी भी देखी जा सकती है। लेकिन अगर आप पीटीआई के सपोर्टर से बात करेंगे तो वो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उस पर खुशी का इजहार कर रहे हैं और वो इसको अपनी फतह और एक विक्ट्री जो है वो मान रहे हैं। जी, मैं आपके पास लौटूंगा, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि विरोध प्रदर्शनों में 10 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक सैकड़ों लोगों को 1900 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पीटीआई के 7 नेताओं पर मामले दर्ज किए गए हैं। जो पीटीआई नेता शाह महमूद कुरैशी हैं और फवाद चौधरी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। तो इमरान खान की गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएँ दाखिल की गई थी और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 घंटे के भीतर इमरान खान को आप अदालत में पेश करें। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि जो पाकिस्तान की सूचना मंत्री हैं मरियम औरंगजेब, उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। 25 मई को इस शख्स को, दहशतगर्द को सजा मिल जाती तो आज मेरा मुल्क जल ना रहा होता। और जिस शख्स ने इन मुसल्ला जत्थों को लॉन्च किया, जो इसकी क्यादत कर रहा है वो दहशतगर्द, अगर उनको इंसाफ नहीं मिलेगा और इस मुजरिम को इंसाफ मिलेगा तो फिर उन पाकिस्तान की आम को, उन पुलिस अहलकार को, उन फौजी अफसरान को जो मुल्क की खातिर, रियासत की खातिर, सरहदों की खातिर, अवाम की खातिर बंदूक उठाते हैं, उसके खिलाफ जो बंदूक उठा के आज खड़ा है, अगर उसको रिलीफ मिलेगा तो इस ये मुल्क सिर्फ जलेगा और कुछ नहीं। तो ये पाकिस्तान की सूचना मंत्री थी मरियम औरंगजेब। जी, मैं वापस अली काजमी साहब आपके पास आ गया हूँ। एक बयान हमने सूचना मंत्री का सुना जो कि मरियम औरंगजेब हैं, ये पहले का बयान है। क्या पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं सरकार की ओर से? जी, अभी सरकार की ओर से उस तरीके से हमें ऑफिशियली कोई बयान सुनने में नहीं मिला, लेकिन जो जनरली जो परसेप्शन है इस वक्त वो ये है कि इमरान खान को इस मुकदमे में तो सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी मामला खत्म नहीं हुआ। इमरान खान पे और बहुत से मुकदमे हैं, तोशाखाना केस है जिसमें उनको जो उनकी इंडिक्टमेंट हुई है, अगर हुकूमत को इस केस में जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ता है जो कि अभी हम देखना बाकी है, तो हुकूमत के पास और भी बहुत सी ऑप्शन है जिनको वो एक्सरसाइज कर सकती है आने वाले दिनों में। तो इसलिए इमरान खान के लिए भी मुश्किलात जो है अभी खत्म नहीं हुई और हुकूमत के पास जो ऑप्शंस हैं वो भी अभी खत्म नहीं हुई। इसलिए देखना यह है कि जो अगले आने वाले जो कुछ दिन है वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे इसी वजह से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अली काजमी साहब आपका लाहौर से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो ये तो अली काजमी बता रहे थे कि वहाँ पर किस तरह के रिएक्शंस हैं और हो क्या रहा है। तो मोहन, पाकिस्तान में अस्थिरता बनी हुई है, चाहे आप राजनीतिक मोर्चे पर बात करें या अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बात करें, अस्थिर पाकिस्तान भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि ये भी एक अहम सवाल है। क्योंकि जब आपका देश, आप पड़ोसी देश हैं और जब किसी भी देश में कुछ होता है तो दूसरे देश में चिंता का होना स्वाभाविक दिखता है। तो ऐसे में ये सवाल हमने जानना चाहा, इसका जवाब हमने जानना चाहा भारत के पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुणयात से। देखिए, पाकिस्तान की जो सरकार है वो बेसिकली आर्मी के द्वारा चलती है, ये तो पक्की बात है, जब आर्मी का पूरा उसमें कंट्रोल है। अगर आप शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू वो देखेंगे, ट्वीट उनका, तो उस ट्वीट में भी उन्होंने पहले ऊपर यही लिखा है कि लगातार आप जो है आर्मी का नाम खराब करते रहे, उसको क्रिटिसाइज करते रहे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अभी पॉलिटिकल डिस्टरबेंस और बढ़ जाएगा बजाय कम होने के।
देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, हमारी भारत सरकार की एक नीति तो रही है कि भाई हमारा जितना भी नेबरहुड है वो सब इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, पॉलिटिकली स्टेबल हो, ये तो भारत हमेशा से चाह रहा है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है हमारे नेबरहुड में जिसने कभी ये ऐसा नहीं भारत का भला चाहा हो, क्योंकि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की वजह से वो उसी में लगते रहे। दूसरी चीज, वो हमेशा से जीरो सम गेम में लगे रहे। लेकिन अगर हमारे नेबरहुड में कोई डिस्टर्बेंसेस होते हैं और हमारा इतना बॉर्डर है उनके साथ के, और जिस तरह के इस वक्त रिश्ते चल रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हालांकि ये पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस से हमें इतना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वहां पर अगर सिचुएशन बहुत खराब हो तो आर्मी भी इंटरवीन कर सकती है। उस वक्त एक तरह से पॉलिटिकल जो सिस्टम है काफी बदल जाएगा और वो एक कंसर्न की बात जरूर होगी। लेकिन इकोनॉमिकली वीकर पाकिस्तान, अनस्टेबल पाकिस्तान इज इन नोबडीज इंटरेस्ट। तो भारत के जो पूर्व राजनयिक हैं अनिल त्रिगुणायत, वो ये कह रहे हैं कि अस्थिर पाकिस्तान भारत के लिए भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। कुल मिलाकर पाकिस्तान में राजनीतिक उठापटक का दौर जारी है और इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। bbchindi.com का लाइव पेज आपके साथ है। कार्यक्रम में आगे हम आपको सुनाने वाले हैं। ब्यूरोक्रेट्स को भी इस बात का अंदाजा होगा कि अगर वो चुनी हुई सरकार की बातों को नहीं मानेंगे तो फिर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। आपको याद होगा बहुत पहले एक तरीके से कि ब्यूरोक्रेट्स ने लगभग चुनी हुई सरकार के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया था। तो ये आवाज वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष की है, जो किस मामले में बात कर रहे हैं, दिल्ली सरकार और LG के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है उस बारे में बात कर रहे हैं। तो इस पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन अब वक्त है कि हम कुछ श्रोताओं की, हालांकि ज्यादा समय नहीं होगा, टिप्पणियां शामिल कर लेते हैं। आज हम थोड़ा लालची हो जा रहे हैं कि ज्यादा जानकारी अपने श्रोताओं को दे दें, लेकिन हाँ, मेरी नजर यूट्यूब पर है मोहन, और मनोहर चमोली, नवनीत मिश्रा, गुरुजी, वेद प्रकाश मिश्र और चंद्रभान कुमार, गुड्डी प्रवीण, कई श्रोता हैं जो लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, और मुझे खुशी हुई है कि आज बड़ी मात्रा में हमारे जो लिसनर्स हैं वो जुटे हुए हैं। रजनीकांत शुक्ला लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की खराब आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति भारत के लिए अच्छी नहीं है। कुलदीप सिंह जाखड़ की टिप्पणी है, पाकिस्तान सरकार पहले ही चौतरफा चुनौतियों से घिरी हुई है। नवनीत मिश्रा की भी एक टिप्पणी है। इसके अलावा हीरा लाल राहल लिख रहे हैं, आज उम्मीद है, किस चीज़ की उम्मीद है भाई बता दें। परमवीर रावत जी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, बल्कि आदेश कुमार गुप्त जी को लाइए मोहनलाल जी। DK परमार कह रहे हैं कि कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका से बहुत उम्मीदें होती हैं। निरुपम वाजपेयी लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की अस्थिरता पड़ोसी का घर जलाता है। इस तरह की जो टिप्पणियां हैं वो लगातार जारी हैं। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। तो कोर्ट ने आज दो और महत्वपूर्ण मामलों में फैसला सुनाया है मोहन। हम भारत की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, अब भारत पर आ गए हैं पाकिस्तान से। तो पहला महाराष्ट्र में बीते कई दिनों से जारी शिवसेना विवाद से जुड़ा मामला था, तो दूसरा था दिल्ली सरकार और LG के बीच अधिकारों को लेकर सालों से जारी खींचतान से जुड़ा। तो आज कार्यक्रम के पहले पड़ाव में इन दोनों ही फैसले को डिकोड करेंगे, यानी इनके सभी पहलुओं को समझेंगे। शुरुआत महाराष्ट्र से करते हैं। तो प्रेरणा, ये आवाज गोली की है या पटाखों की? पटाखों की है, और ये पटाखे फूट रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सरकारी बंगले के बाहर। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला आया उसके बाद शिवसेना के शिंदे गुट में जश्न का माहौल है? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इस गुट के विधायकों को अवैध बता देती तो आज महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार पर खतरा मंडरा रहा होता और एकनाथ शिंदे शायद ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहते। जी बिल्कुल, और ऐसे में कोर्ट के फैसले से संतुष्ट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में क्या कहा, ये सुनिए। आम जनता के दिल में जो भावना थी उसी का विजय है, बाला साहब ठाकरे जी के विचार का विजय है, शिवसेना भाजपा यूपी के विचारों का विजय है, और लोगों ने जो चुनाव में मैंडेट दिया था उसका विजय है, और बाला साहब ठाकरे जी के विचार से जिन्होंने प्रताड़ना करने का काम किया था उनको एक मुंह तोड़ जवाब इस आज के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने दिया हुआ है।
तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ और शिवसेना के उद्धव गुट पर निशाना साध रहे थे एकनाथ शिंदे, जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं। जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी इस फैसले का स्वागत किया है मोहन, लेकिन उद्धव ठाकरे क्या कुछ बोले ये सुनिए। ठीक है, कानूनी तौर पर मैंने इस्तीफा दिया शायद गलत हो सकता है, लेकिन नैतिकता अगर देखे तो जिन लोगों को मेरे पिताजी ने मेरे पार्टी ने सब कुछ दिया वो लोग उठकर मेरे ऊपर उंगलियां उठाए तो उनके लिए मेरा विश्वास या अविश्वास क्यों जताने की कोशिश करूं? तो ऐसे लोगों को अधिकार ही नहीं है मुझे सवाल पूछने का। जिन लोगों ने मेरे पार्टी से सब कुछ लिया और गद्दारी की, तो गद्दार लोग मेरे ऊपर अविश्वास लाए और उसका मैं सामना करूं कैसे हो सकता है? अभी जैसे मैंने नैतिकता का पालन किया तो अगर इस मुख्यमंत्री में जरा भी कोई नैतिकता होगी तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए जैसे मैंने दिया। ये आवाज उद्धव ठाकरे की है जो कि पहले मुख्यमंत्री थे। जी, और ये प्रतिक्रियाओं की बात हमने कर ली, अब फैसले पर आते हैं। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा था कि इतनी सारी हम आवाजें सुना रहे हैं, एक फैसला फैसला फैसला, ये फैसला क्या है? तो आप ही बताएं मुख्य बातें क्या, मुख्य बातें क्या रही फैसले की? प्रेरणा, फैसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसले की जिम्मेदारी स्पीकर को दे दी है। लेकिन जिस तरीके से साल 2022 में महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के आदेश दिए गए, उद्धव ठाकरे का इस्तीफा हुआ, शिवसेना के बागी विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस पूरे प्रकरण पर कोर्ट ने अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। वो टिप्पणियां क्या हैं? वो आप बताइए। जी, जैसे सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सबसे पहले यही कहा मोहन कि 2022 में महाराष्ट्र के सियासी संकट के दौरान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश देना गलत था। राज्यपाल के पास विधानसभा में फ्लोर टेस्ट बुलाने के लिए कोई पुख्ता आधार नहीं था। फ्लोर टेस्ट को किसी पार्टी के आंतरिक विवाद को नहीं सुलझाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस पर राज्य के जो पूर्व राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, वो क्या कहते हैं ये सुन लेते हैं। मैं केवल संसदीय परंपराएं जानता हूं और विधायी परंपराएं जानता हूं, उस हिसाब से मैंने जिस समय जो भी कदम लिए सोच समझ के लिए, और जब किसी का इस्तीफा मेरे पास आ गया तो मैं क्या कहता, तुम मत दो इस्तीफा। ये तो कोश्यारी थे जो पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं महाराष्ट्र के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आए तो कोर्ट ने आगे कहा मोहन कि उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में बहाल नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने फ्लोर टेस्ट का सामना किए बिना ही पद से इस्तीफा दे दिया था। तो प्रेरणा, तो एक तरह से ये कहें कि शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिलहाल ग्रीन सिग्नल मिल गया है, यानी कि उनकी सरकार बनी रहेगी और बनी है। बिल्कुल, लेकिन अब इस फैसले के और मायने क्या है, खासकर महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के लिए। बीबीसी संवाददाता मानसी दास ने बात की महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर बनाए रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार समर खड़स से। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला सुनाया है उसमें इतने ग्रे एरिया छोड़ के रखे है कि उसका मतलब क्या है ये सुप्रीम कोर्ट ही जाने, क्योंकि इसकी क्रोनोलॉजी आप समझ लीजिए। इसकी क्रोनोलॉजी में सबसे पहले तो उद्धव ठाकरे के एमएलए विधान परिषद के चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं, वो पहले जाते हैं सूरत, सूरत के बाद दो दिन के बाद वो जाते हैं गुवाहाटी, गुवाहाटी में वो कहते हैं कि उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी से बाहर निकले, फिर यहाँ सब ये शुरू होता है। 16 एमएलए को नोटिस दिया जाता है और उपाध्यक्ष जो होता है डिप्यूटी स्पीकर वो उनको नोटिस सर्व करता है, उसके खिलाफ ये लोग कहते ये कोर्ट में जाते हैं, ये कई चीजें हुई है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के परव्यू में था उसमें उन्होंने क्या क्या किया, एक तो 16 लोगों को डिस्क्वालिफिकेशन करो ये मांग उन्होंने ठुकरा दी है, ये एकदम सही है क्योंकि बेसिकली वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में ही नहीं आते। लेकिन जो व्हिप का फैसला उन्होंने सुनाया है कि व्हिप पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करेगा, तो उसी व्हिप ने जो स्पीकर चुना गया बाद में सेशन बुलाने के बाद में, वो शिवसेना के व्हिप को डिफाई करके ही चुना गया है। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ कहा नहीं। 16 डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं वो भी कुछ कहा नहीं। सुप्रीम कोर्ट कहते उद्धव ठाकरे ने चूंकि खुद रेजिग्नेशन दिया तो रिस्टोर करने का सवाल ही नहीं आता है, तो इसमें फिर उद्धव ठाकरे को क्या मिला है? सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे के फेवर में यह फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट कॉमेंट में क्या कहता है उसका क्या मतलब है और क्या लेना देना है? लेकिन गवर्नर की भूमिका पर जो सवाल उठाए गए हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाए हैं कि गवर्नर ने जो डिफेक्शन है वो ऑफिशियल डिफेक्शन जब तक होता नहीं है तब तक आप अनड्यूली
सेशन कॉल नहीं कर सकते और वो आपने किया, ये स्ट्रिक्चर्स उन्होंने दिए। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट उसके बाद दोबारा ये कहता है कि चूंकि चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन किया तो आपने दूसरा चीफ मिनिस्टर को शपथ दिलाई, ये सही है। तो इसका माने क्या हुआ? देखिए, उद्धव ठाकरे ने रेजिग्नेशन कब दिया? गवर्नर ने असेंबली कॉल करने के बाद, जबकि शिवसेना उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी और उन्होंने कहा था कि इस पर स्टे दे दो क्योंकि इनको कोई अधिकार नहीं है अभी बुलाने का। सुप्रीम कोर्ट ने वो स्टे नहीं दिया। करेक्ट। उसके हाथ में, उसको मालूम था कि मैं तो जिस तरह की सिचुएशन है तो मेरी तो फ्लोर पे डिफीट होने वाली है। अब वो करना सही था गलत था वो एक अलग डिबेट होगी, क्योंकि उसका कई महीने में पॉलिटिकल फायदा भी उद्धव ठाकरे को मिला। सवाल ये है कि ये जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो सीधे सीधे एकनाथ शिंदे गुट के फेवर में दिया है, इसका पूरा पॉलिटिकल फायदा एकनाथ शिंदे को होने वाला है। आगे जाके जनता में क्या है इसकी डिबेट अलग होगी, क्योंकि जनता के मन में उद्धव ठाकरे के बारे में बहुत सारी सिंपति है, ये जमीन पे दिख रहा है। ये सिंपति वोटों में तब्दील होगी या नहीं, इसके छोटे छोटे परीक्षण हो चुके हैं। अंधेरी की बाई इलेक्शन में क्या हुआ, पूना की कस्बा पेट की बाई इलेक्शन में क्या हुआ, जो ब्राह्मण डोमिनेटिंग सीट थी कस्बा, जो बीजेपी गए 27 सालों में नहीं हारी थी, वो सीट कांग्रेस जैसी पार्टी से वो हार गई। किसके बलबूते पे हार गई? वो शिवसेना के बलबूते पे हार गई, क्योंकि शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने उसमें आके रोड शो किया, उसने गली गली में जाके प्रचार किया, हर शिवसैनिक उसमें काम में लगा था, इसलिए बीजेपी हार गई। तो इसके परीक्षण तो हो चुके हैं, अभी मार्केट कमेटी के चुनाव हुए, 75% मार्केट कमेटीज महाविकास आघाड़ी को मिल गई। लेकिन अब आगे की राह अब क्या देखते हैं? और एक साल के बाद चुनाव होंगे, तब तक एक साल में कितना पानी बह जाता है, क्या होता है क्या नहीं, ये आज नहीं बता सकते। ये थे वरिष्ठ पत्रकार समर खड़स, जो कि बता रहे थे कि शिंदे गुट बनाम उद्धव ठाकरे गुट की और असली शिवसेना इसके बीच की जो लड़ाई है इसके राजनीतिक मायने क्या हैं। लेकिन प्रेरणा, बात सुप्रीम कोर्ट के ही एक दूसरे फैसले की भी अब करनी जरूरी है, और इस फैसले को भी कई मायनों में ऐतिहासिक कहा जा रहा है। बिल्कुल, हम आए दिन दिल्ली सरकार और यहाँ के उपराज्यपाल के बीच खींचतान की खबरें सुनते रहते हैं। मोहन, उपराज्यपाल चाहे जो भी हो, ये टशल जो है जारी रहता है। लंबे वक्त से चली आ रही केजरीवाल सरकार बनाम एलजी के अधिकारों की लड़ाई के एक पहलू पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। फैसला इस बात पर कि सचिव स्तर के अधिकारियों पर दिल्ली सरकार का अधिकार होगा या फिर एलजी का। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि लोकतांत्रिक सरकार में असली शक्ति जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में होनी चाहिए, और बेंच के मुताबिक अगर किसी राज्य में एग्जीक्यूटिव पावर केंद्र और राज्य के बीच में बटा हुआ होता है तो ये देखना चाहिए कि राज्य के कामकाज पर केंद्र हावी न हो, और अगर ऐसा होता है तो ये संघीय शासन प्रणाली और लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ होगा। अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले के बाद क्या कहा? आज हम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ के, जो और चारों जजेस हैं उस बेंच में, संविधान पीठ में, उन सब के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ न्याय किया। मैं दिल्ली की जनता को केवल बधाई नहीं देना चाहता था और उनका शुक्रिया करना चाहता हूं कि जो इतना लंबा संघर्ष था उस संघर्ष में दिल्ली की जनता ने मेरा साथ दिया। अब मोहन, ये तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आवाज़ थी, लेकिन जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस फैसले के क्या मायने हैं और इससे क्या कुछ बदलेगा? बीबीसी हिंदी की संवाददाता कीर्ति दुबे ने बात की वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष से। 2015 से ही जिस तरीके से उपराज्यपाल का पूरा कंडक्ट था, उनके पूरे कंडक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सिर्फ एक उपराज्यपाल की बात नहीं है, बल्कि चाहे उनके पहले नजीबगंज साहब हो या फिर अनिल बैजल हो या अब विनय कुमार सक्सेना हो, ये दरअसल संविधान के दायरे के बाहर जाकर जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और उनको काम न करने दे रहे थे। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि अगर दिल्ली के अंदर कोई चुनी हुई सरकार है और चुनी हुई सरकार को अगर अपने नौकरशाहों को नियुक्ति करने, उनके तबादले करने का अधिकार नहीं होगा, तो ये जो नौकरशाह होंगे, ये नौकरशाह जो है वो अकाउंटेबल नहीं होंगे और फिर उनसे काम नहीं लिया जा सकता। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है या उपराज्यपाल है वो सिर्फ 3 मसलों पर ही उनकी चलेगी, बाकी के मसलों पर वो चुनी हुई सरकार के एड एंड एडवाइस यानी उनकी सलाह पर ही काम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है सर, इसके बाद दिल्ली में क्या कुछ बदलेगा, और क्या अगर आप कोई एग्जाम्पल देकर के ये बात समझा पाए कि जब
अधिकार दिल्ली सरकार के पास होंगे सारे ब्यूरोक्रेट्स के और सचिवों के नियुक्ति और ट्रांसफर के, तो दिल्ली के लिए, दिल्ली सरकार के लिए ये कितना कुछ बदलाव लाएगा और क्या चीजें बदल जाएंगी? अभी तक क्या हो रहा था कि चुनी हुई सरकार के पास किसी भी अधिकारी को नियुक्त करने की ताकत नहीं थी, उनके पास किसी भी अधिकारी को तबादले करने की भी ताकत नहीं थी, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से हो रहा था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद जो सर्विसेज था, जो ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करने का पावर था वो उनके हाथ से ले लिया, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेट्स मनमाने कर सकते थे, ब्यूरोक्रेट्स चुनी हुई सरकार की जो के आदेश थे उसको नहीं मान सकते थे और वो ये कह सकते थे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो हमको ये आदेश दे रहे हैं, हम उनकी बात मानने के लिए बाध्य हैं। तो एक तो पहली बात ये होगी कि जो स्मूथनेस है वो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएगी और ब्यूरोक्रेट्स को भी इस बात का अंदाजा होगा कि अगर वो चुनी हुई सरकार की बातों को नहीं मानेंगे तो फिर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। आपको याद होगा बहुत पहले एक तरीके से कि ब्यूरोक्रेट्स ने लगभग चुनी हुई सरकार के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया था, तो ये भी याद होगा कि जब नजीब जंग साहब थे उस वक्त चीफ सेक्रेटरी जो है वो छुट्टी पर गए थे कुछ दिनों के लिए और तब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने हिसाब से, नाम बोल रहा हूं उनका शायद गैमलिन नाम था, उनको उन्होंने चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया था जबकि जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार थी वो किसी और को चीफ सेक्रेटरी नियुक्त करना चाहती थी। वही सरकार को जनता चुनती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को जनता नहीं चुनती है, और जब चुनाव होता है तो जो चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री होता है उसको जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है, हार या जीत उसकी होती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर तो अपॉइंटेड है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई और वो सारे मनमाने फैसले कर रहे थे। तो दिल्ली में या फिर कहें कि उपराज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री की शक्तियों को लेकर जो मामला था उस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष। और अब हमारे साथ सामने हैं मोहम्मद शाहिद आईपीएल की खबरों के साथ। तो आईपीएल में आज 56वां मैच जो है कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जा रहा है। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और कोलकाता की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए अब 7वां ओवर चल रहा है, 40 रन बन चुके हैं, 2 विकेट गिर चुके हैं। तारीफ करनी होगी क्या कहते हैं ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी कर रहे थे और हेटमायर ने जो कैच लिया है अभी जेसन रॉय का तीसरे ओवर में बहुत शानदार तरीके से लिया, फिर रहमानुल्ला का कैच लिया जो है संदीप शर्मा ने वो बहुत शानदार तरीके से लिया, दोनों विकेट बोल्ट ने लिए हैं। 41 रन बन चुके हैं, 2 विकेट गिर चुके हैं, आगे देखना क्या होगा। अगर कल के मैच की बात करूं जो 55वां मैच था उसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने जो है दिल्ली कैपिटल्स को 27 रन से हरा दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शाहिद, और कार्यक्रम के इस पड़ाव पर हमें आपसे विदा लेनी होगी क्योंकि हमारी विदाई तय है इस वादे के साथ कि कल फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा दें, नमस्कार।